नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस फोर। मैं हूं आपके साथ तफीसा खान। दिल्ली की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा पर चुनावी आगाज के बाद से ही सियासत भारी है और इस वक्त कन्हैया कुमार नामांकन भरने जा रहे हैं। उससे पहले ही तमाम तैयारियां देखने को मिल रही हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन सवाल ये है कि क्या मनोज तिवारी को मात दे पाएंगे कन्हैया कुमार। चर्चा कर लेते हैं, तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए। देखिए, मैंने जिनसे बात करना जरूरी समझा वो मुझे थोड़े से अलग लगे। चुनावी माहौल के बीच में जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है, तो चर्चा इसी पर कर लेते हैं, शुरुआत इसी पर कर लेते हैं कि कौन है दम और किसमें दम ज्यादा दिखाई दे रहा है, कौन होने वाला है बेदम। शुरुआत आप ही से करते हैं, क्या नाम है सर? ऋषभ कुमार। ऋषभ जी, मैं सीधे तौर पर देखिए पहले शुरुआत इससे करना चाहूंगी, तिलक लगाया और मेरा ध्यान भी इसी पर गया। तिलक लगाने वाले व्यक्ति को तो आमतौर पर जो माहौल बन चुका है माना जाता है वो भाजपा समर्थक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग शंकर भगवान के भक्त हैं और आज सोमवार है और कन्हैया कुमार जी सोमवार के दिन अपना नामांकन चुने हैं, तो हम लोग आए हैं, पूजा पाठ करके आए हैं और उनके नामांकन में शामिल है। बाबा भोला से दुआ करते हैं कि वो लाखों वोट से इस लोकसभा क्षेत्र से जीतेंगे। लगभग सामने मनोज तिवारी हैं। मनोज तिवारी है तो क्या है, नचनिया बजनिया है, पढ़े लिखे युवा है। मनोज तिवारी क्या है? बीजेपी के मोदी जी के सिपाही है वो। मोदी जी के सिपाही? मोदी जी के सिपाही है तो काम के नाम पर वोट मांगे ना। काम क्या के काम के नाम पर वोट नहीं मांग रही भाजपा, इधर आ जाएगा। इस लोकसभा क्षेत्र के मोदी हैं सांसद क्या? इस लोकसभा क्षेत्र के तो मनोज तिवारी हैं सांसद, तो वो क्या किए हैं इस लोकसभा क्षेत्र में, वो गिनाए यहाँ के पब्लिक को बताएं और वोट मांगे, क्या दिक्कत? आप यहीं के रहने वाले? हाँ, हम यहीं के रहने वाले हैं। तो आपको कामकाज नहीं दिख पा रहा? कहाँ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। जाम की समस्या है, अस्पताल की समस्या, नाला गड्ढे की समस्या है, गड्ढा में रोड है या रोड में गड्ढा है कुछ पता नहीं चलता है। घबराए कह रहे हैं, आप तो कन्हैया जी के समर्थन में हैं तो थोड़ा मजबूती से दिख। कहाँ घबराए हुए हैं, आपसे बात कर रहे हैं, कहाँ घबराए हुए? मनोज तिवारी तो यही कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के सारे उम्मीदवार घबराए हुए हैं। मनोज तिवारी बहुत कुछ कहते हैं, वो कुछ भी कहें हम लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ हुजूम, हम लोगों के समर्थन में सभी वर्ग से, सभी धर्म से, सभी समुदाय के लोग हम लोगों के साथ हैं और हम कन्हैया कुमार को जिताने का काम कर रहे हैं। लेकिन मनोज तिवारी एक के बाद एक बड़े हमले कर रहे हैं, भले ही काम ना गिनवाए जैसा सर कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं खुलासा बहुत बड़ा करने वाला हूँ जल्द ही। क्या खुलासा वो करेंगे? वो वही घिसी पिटी 2016 से जो अभी तक अठोत्तरी माला हम लोग कहते हैं बिहारी भाषा में, वो अठोत्तरी माला जप रहे हैं, वो देशद्रोही देशद्रोही। भाई तुम्हारा गृह मंत्री है, तुम्हारे पास सरकार है, तुम्हारे पास इतना तंत्र है, तुम अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री को अंदर कर रहे हो, तो ये कन्हैया क्या चीज़ है? अगर थोड़ा सा भी ये किए होते हैं तो इसको अंदर करो भाई। भ्रष्टाचारी सारे एक साथ आ गए, आरोप लग रहा है। भ्रष्टाचारी एक साथ नहीं आए हैं, भ्रष्टाचारी नहीं, देश के संविधान को बचाने वाले सब एक साथ आए। आज संविधान को लेकर देखिए तरह 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 की बातें हैं, क्या वाकई 2024 का चुनाव संविधान बचाने वाला? शुरुआत टीके से की थी, फिर उसी पर आ जाते, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। बीजेपी कह रही है हिंदुत्व का परचम हमने लहराया है, तो हिंदुत्व के नाते तो आपको बीजेपी के समर्थन में जाना चाहिए। देखिए, ये हिंदू बीजेपी से पहले भी था और हिंदू बीजेपी के बाद भी रहेगी, हिंदू तो सनातन बीजेपी के बाद भी रहेगी, तो हम इसलिए कह देते हैं या हिंदू या सनातन धर्म किसी के बाप का नहीं है, उसके मोदी या मोदी के चमचे के बाप का जागीर नहीं है। हम लोग अपने धर्म के प्रति लगाव रखते हैं और हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम सद्भावना और प्रेम की राजनीति करते हैं। बीजेपी भी तो ये नारा दे रही है कि सबका साथ सबका विकास, वो सबका साथ सबका, अडानी का साथ और अडानी का विकास, पूंजीपतियों का साथ पूंजीपतियों का विकास। अडानी अंबानी पर घेर रहे हैं, हाँ बोलेंगे नहीं, उनके दोस्त हैं, उनके पीठ पर ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री के जो कंधों पर ऐसे ये हाथ रख दे तो क्या समझेंगे, दोस्त है। अच्छा, मुझे थोड़ा समझा पाएंगे? देखिए, आप शायद ब्राह्मण हैं। हाँ, ब्राह्मण है, भूमिहार ब्राह्मण है, शायद थोड़ा सा आप मुझे समझा पाएंगे, क्योंकि चुनावी जो समीकरण बन रहे हैं या फिर जो चुनावी माहौल है वो सारा राम मंदिर सनातन पर चल रहा है, एक तरफा देखने को मिल रहा है, तो क्या अब हिंदुत्व का भी मतलब बदल गया, परिभाषा बदल गई? नहीं, हिंदुत्व का मतलब और परिभाषा बिल्कुल नहीं बदला है। आज भी वैसे लोग हैं जो सेकुलर विचार को मानते हैं, वो अपने धर्म के प्रति बहुत लगाव रखते हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो वो अपने धर्म को अलग रख के राजनीति करते हैं, देश के विकास के मुद्दों पर वोट करते हैं।
तो ये सिर्फ राम मंदिर करके, अब तो राम मंदिर बन गया, अब इस मुद्दा को खत्म किया जाए ना, अब उनके नाम पर क्यों वोट मांग रहा है? आप 10 साल से सरकार में हैं, अब गिनाइए ना आप क्या काम किए, कितने कॉलेज खोले, कितने इंस्टीट्यूट खोले, कितने ITI, एम्स, IIT कितने खोले, ये सब गिनवाए सरकार और उस नाम पर वोट लें, हम युवा वोट देंगे, वो वैसा कुछ किए ही नहीं है, तो क्या गिनवाए? युवाओं का इस बार क्या मन है? युवाओं का मन है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है और इस लोकसभा क्षेत्र से कन्हैया कुमार को। शहजादे पीएम मोदी वार करते हैं कि शहजादे हैं वो, उन राहुल गांधी को शहजादे बोलते हैं, है पीएम मोदी में दम तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल के देख ले शहजादे कौन है, पता चल जाएगा। महाराजा वो है, महाराजा मोदी जी हैं, करोड़ों और लाखों का सूट पहनते हैं, ठीक है। राहुल गांधी सिंपल ड्रेस में पैदल पूरे भारत का यात्रा किए, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की तरफ, दोनों तरफ मुकाबला बराबरी का आ चुका है पीएम वर्सेस राहुल गांधी। बिल्कुल बराबरी का नहीं है, हम लोग 20 हैं उनसे, हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, उस बार वो 150% ने 400 का नारा तो बीजेपी दे रही है, वो 150 के नीचे सिमट जाएंगे। कैसे कैसे करेंगे आप? कैसे, हम लोग पूरी तैयारी से हैं, हम लोग मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपने चुनाव में राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं कहते हैं, नहीं करते हैं। वो लोग बलात्कारियों को टिकट देते हैं, महिला सुरक्षा के नाम पर ढोंग करते हैं, सबका साथ सबका विकास के नाम पर ढोंग करते हैं, बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। रेवन्ना का नाम सुने होंगे, उस कांड के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे, उनका प्रचार वो लोग करते हैं। कुलदीप सेंगर का नाम जानते होंगे, और इस तरह बहुत भाजपाई हैं जो उनमें, एक लंबी लिस्ट है। और जो चुनावी मैदान में तो चल रहा है कि मोदी जी की गारंटी, एक अकेला सब पे भारी तरीके के बयान सामने, देखिए मोदी जी की गारंटी जो बोलते हैं ना, एक मोदी जी गारंटी दिए थे यशोदा बेन को, मंगलसूत्र और सात फेरा के साथ गारंटी, क्या वो गारंटी पूरा कर पाए? हम लोग क्यों भरोसा करें? चार सबके खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा, ये गारंटी पूरा कर पाए? हम क्यों उनको दें वोट, क्यों उनके गारंटी पर हम विश्वास करें? 2 करोड़ हर साल नौकरी पैदा होगी, तो इसके हिसाब से 10 साल से वो सरकार में है, 20 करोड़ नौकरी कहाँ है? 20 करोड़ नौकरी, वो गारंटी को पहले पूरा करें। तो क्या इस बार हिसाब लिया जाएगा? इस बार हिसाब मांग रही है जनता, इस बार पूरे देश का मूड अलग है, राहुल गांधी की तरफ एक आशा और उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। राहुल गांधी उस लायक है, इसलिए राहुल गांधी। मैनिफेस्टो पर भी देखिए सवाल उठे कि मैनिफेस्टो में काफी चीजें ऐसी हैं जो दिशाहीन होती जा रही है, जो अलग तरीके की मुस्लिम लीग की छवि देती है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के जो मैनिफेस्टो है वो बेहतरीन मैनिफेस्टो है, उसमें महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में, किसानों के बारे में, छोटे व्यापारियों के बारे में, सबके हित की बात उसमें कही गई है, और उसमें ये लोग अपने मनगढ़ंत कहानी बनाकर आम जन के बीच ये फैलाना चाहते हैं, तो वो फैलाएं, उससे कोई ये नहीं है। और वो लोग देख रहे हैं मैनिफेस्टो, आम जनता देख रही है मैनिफेस्टो, समझ रही है, और जनता का मूड अलग है इस बार। वापस आ जाते हैं उम्मीदवारों पर, कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी, दोनों ही पूर्वांचली है, तो क्या लग रहा है मुकाबला थोड़ा भारी है या फिर से बीजेपी इस बार भी बाजी मार जाएगी? देखिए कन्हैया कुमार वर्सेस जो बता रहे हैं दोनों, मनोज तिवारी दोनों ही पूर्वांचली है, ऐसा नहीं है दोनों पूर्वांचली, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये अभिनेता, ये अश्लील गानों के वजह से इस तरह का जो ये प्रोपगेंडा तैयार किया जा रहा है, और इनके पुराने वो कहते हैं ना कन्हैया कुमार के पुराने वीडियो, हम उनके पुराने गीत जब निकाल देंगे तो आप शर्मा जाइएगा, उनका महिलाओं पर इतना भद्दा गीत गाया हुआ है, और इस बार हम लोग कर रहे हैं, जब आमने सामने की लड़ाई है तो पता चल जाएगा किसमें दम है। इस बार मात देने वाले, बिल्कुल देने वाले। इंडिया एयरलाइंस को लेकर क्या सोचे, कितना मजबूत इस वक्त है? बहुत मजबूत है इंडिया एयरलाइंस, देख रहे हैं सब, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और भी तमाम पार्टियों जो इस इंडिया गठबंधन में हैं, वो अपने हिसाब से मजबूती रख रहे हैं, इस यहां से कैंडिडेट को जिताने का काम कर रहे हैं। चुनावों में कहा जा रहा है सर, पीएम मोदी के भाषण आपने सुना होगा कि सारी संपत्ति छीन कर एक वर्ग को दे दी जाएगी, तो डर नहीं लग रहा आप लोगों को इस वजह से? तो आपको भाजपा के साथ होना चाहिए। देखिए इस तरह की बात बोलकर वो खुद डर गए हैं, वो खुद चाहते हैं कि मुद्दा को इस चुनाव में, जो रोजगार का मुद्दा है, रोटी का मुद्दा है, मकान का मुद्दा है, जो गरीबी का मुद्दा है, इस तरह महंगाई का मुद्दा है, इस तरह के मुद्दों को वो खत्म करके सिर्फ चुनाव को हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर ला देना चाहते हैं। मोदी जी बोल रहे थे कि जो सबको जो है अपना घर होगा, कितने परसेंट लोगों को घर मिला है? और
2022 में मोदी ने नारा याद है वादे सारे। हमें सारे वादे पूरे हैं, सारे वादे हमने मतलब कि उनको देख रखे हैं। और आज के युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। रोटी से पेट भरता है, बातों से पेट नहीं भरता है मैम, इसलिए रोटी से पेट भरता है। और रोजगार जब रोटी मिलेगी, रोजगार मिलेगा तो रोटी भी मिलेगी। पीएम काम नहीं कर रहे। पीएम अगर काम किया होता तो ये भाषण देखने को नहीं मिलता, ये सुनने को ही नहीं मिलता है। और डबल इंजन की सरकार है दिल्ली में भी, सेंटर में भी और पूरे हिंदुस्तान में भी। तो डबल इंजन का सरकार में तो ज़्यादा चलना चाहिए ना। अगर मान लीजिए हम एक गाड़ी और जोड़ देंगे तो जो वो ज़्यादा विकास करेगा ना, तो विकास तो हुआ ही नहीं अभी तक के। हैं, और क्या वो विकास गिनती करवा रहे हैं? 15-15 करोड़ आपके भी खाते में आए होंगे। करोड़ नहीं, लाख आपका 15 लाख ही समझ लो, 15 लाख ही समझ लो, 15 लाख आपके खाते में भी आए, हमारे खाते में भी आए, तो मौज मारना चाहिए। 15 लाख भले ही ना आ रहे हो, लेकिन अच्छे दिन तो आ गए होंगे गरीबों के, कहा जा रहा है। तो मैम अच्छे दिन तो आ ही रहे हैं, ये देख ही नहीं रहे कि गरीब मजदूर आदमी बेचारे रोजगार के लिए फिर रहे हैं, तो यही तो अच्छे दिन है। और कौन सा अच्छा दिन आएगा? इससे भी अच्छा दिन होता है बताइए आप, इससे अच्छा दिन? अच्छा दिन तो वो होता है जो आदमी कूलर पंखा में सोए रहता है, रोटी पेट भर मिलता है, चलो भैया अच्छे दिन हमारे आ गए। हम सड़कों पे भटक रहे हैं गरीब आदमी, लेकिन रोजगार तो है ही नहीं, किसको जाकर अपना दुखरा सुनाएंगे हम। तो इस बार क्या मन बनाया है आप लोगों ने भाजपा के साथ? मनोज तिवारी तो अध्यक्ष है, बीजेपी का अध्यक्ष है वो, उसके कहाँ की बात कर, सांसद है वो, सांसद भी है तो वो अध्यक्ष भी तो मतलब कैसे वो रह चुके हैं, ऐसी तो नहीं है कि नहीं है, तो उनको तो ज्यादा सुनवाई होना चाहिए, ज्यादा विकास होना चाहिए दिल्ली के अंदर। सिपाही भी कहते हैं पीएम मोदी के करीबी भी हैं, सब कुछ उनका है, दंड भेद सब उनका है, जो मर्जी चाहे अपना ले, लेकिन गरीबों को इससे मतलब नहीं होता। गरीबों को रोजगार चाहिए मैडम, गरीबों को किसी चीज से मतलब नहीं होता है, गरीबों को सिर्फ रोजगार और रोजी से मतलब होता है। जो सरकार रोजगार देगी वही जीतेगी, वही जीतेगा गरीब। क्या भाजपा रोजगार देने में विफल रही? विफल तो है ही ना, अभी तक तो विफल ही रहा है, और उम्मीद मैं करता हूँ कि वो आगे भी विफल ही रहेंगे, आगे भी विफल रहेंगे। इस बार लहर किसकी देख रहे हैं? लहर कन्हैया कुमार जी का है, और ये फुल बहुमत से जीतेंगे भी। हाँ, इंडिया लाइन्स इतना मजबूत है? बिल्कुल मजबूत है मैम, जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ, मैं एक ड्राइवर आदमी हूँ, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ सब ने यही नारा दिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगा। तो क्या इस बार परिवर्तन की लहर चल पड़ी? बिल्कुल बिल्कुल, परिवर्तन होना भी चाहिए। भाजपा से नाराज है क्या? हाँ, और ड्राइवर में नाराजगी है? बहुत नाराजगी है मैम, बहुत नाराजगी है। आप क्या कहेंगे इस वक्त, क्या माहौल देख पा पूर्वी दिल्ली में? देश बदलाव चाह रहा है, उत्तर पूर्वी दिल्ली बदलाव चाह रही है, हम 3 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं, कन्हैया कुमार जीत रहे हैं। इस बार बदलाव होना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जनता मेरे साथ जुड़ी थी। मैं जान रही थी कि जनता का माहौल क्या, उत्तर पूर्वी दिल्ली जो सबसे हॉट सीट है, इस पर क्या माहौल बना हुआ है। मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार, कौन बाजी मारेगा इस बार?